और चलिए बात करें मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही यहां पर मॉब लिंचिंग की घटनाओं ने सरकार को नींद उड़ा दी है। और साथ ही आपको बता दें कि इन घटनाओं को लेकर जहां राजनीतिक दल मैदान में आ रहे हैं, तो वहीं सामाजिक संगठन भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने में लगे। कलेक्ट्रेट पर संविधान बचाओ कल्याण समिति ने मॉब लिंचिंग के खिलाफ आंदोलन किया। प्रदर्शनकारियों ने यहां पर सरकार से मांग करते हुए कहा है कि दोषियों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। पूर्व पार्षद और समिति के अध्यक्ष मेवालाल कन्नेज ने यहां पर कहा है कि प्रदेश में अल्पसंख्यक दलितों के साथ आदिवासियों के यहां पर निशाना बनाया जा रहा है। सरकार केवल झूठ परोसने का काम कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार से दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं करने पर उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दी। को घसीट कर मॉब लिंचिंग की जाती है। उसके बाद आए दिन हम सुन रहे हैं समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया में भी कि मॉब लिंचिंग हो रही है। हमारी मांग है कि ये मॉब लिंचिंग करना बंद करो, देश के अंदर नफरत फैलाना बंद करो और मॉब लिंचिंग करने वालों के ऊपर राष्ट्रद्रोही का मुकदमा कायम होना चाहिए।